Responsiveness is one of the important features or the characteristics of good governance. Response of state institutions within stipulated time is required for effective service delivery. It is a main feature of good governance, as all stakeholders should be served with reasonable time frame by all the institutions. So responsiveness जो है वो basically state institutions से relevant है, और इसमें उनका response जो time है वो matter करता है कि अगर general public उन तक access करती है for solving their problems or for any issue, तो वो उनको कितनी जल्दी response देते हैं, it matters a lot for service delivery. और अगर आप एक effective और efficient service delivery की बात करते हैं, तो उसमें responsiveness का बहुत important role होता है, क्योंकि state institution या different organizations जो हैं, वो जितनी जल्दी लोगों को response करेंगी और उनको उनके मामलात को हल करेंगी, उतनी जो service delivery है वो बेहतर होगी. अगर हम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें और स्पेशली विद द रेफरेंस ऑफ पाकिस्तान बात करें, तो ये एक बहुत बड़ी शिकायत है जो लोगों में पाई जाती है कि अगर आप किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन को एक्सेस करते हैं फॉर एनी प्रॉब्लम और एनी इशू, तो वो आपको बहुत लेट रिस्पॉन्स देते हैं. और यूजुअली जो है, अगर आपका कोई काम किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, उसमें बहुत एफर्ट लगती है. और अगर आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस का रिस्पांस देखें, तो वो ये कहते हैं कि उनके जो सेट प्रोसीजर्स हैं या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उनके मुताबिक ये टाइम जो है वो एक नॉर्मल टाइम होता है जो लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा होता है. और इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को रेड टेपिज्म का नाम भी दिया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टर्म में, क्योंकि उसके मुताबिक ये होता है कि जो फाइल मूवमेंट होती है वो एक हायरार्की से दूसरी हायरार्की के पास जा रही होती है, और फिर उसी तरह वो वापस अपना एक प्रोसीजर फॉलो कर रही होती है. सो अकॉर्डिंग टू देम, वो अपने एक सेट पैटर्न और प्रोसीजर्स के मुताबिक काम कर रहे होते हैं. लेकिन इस सब में जो डिले आता है वो इरिटेटिंग होता है फॉर द जनरल पब्लिक, क्योंकि उनका जो मसला होता है वो सॉल्व नहीं हो रहा होता, और उसमें जो है वो उसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे होते हैं. सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, और उसको डील करने के लिए गवर्नेंस ने डिफरेंट सॉल्यूशंस भी दिए, जिसमें स्ट्रक्चर को रीवैम्प करने पे जोर दिया गया कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हायरार्की को कम किया जाए, और अगर उनको आप कम कर देंगे और उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ले आएंगे, तो इट विल बी बेटर और इन डीलिंग विद डिफरेंट इश्यूज ऑफ जनरल पब्लिक, और आप इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी की तरफ जा सकेंगे. एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो इसी एस्पेक्ट में है वो ये है कि आपके इंस्टीट्यूशंस अगर डिवॉल्व कर दिए जाएं, या उनकी पावर्स जो इंस्टीट्यूशनल पावर्स हैं उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, फंक्शंस को भी और पावर्स को भी, तो ये भी एक सोल्यूशन है जो गवर्नेंस प्रोवाइड करती है फॉर इफेक्टिव और क्विक रिस्पॉन्सिवनेस टू द जनरल पब्लिक. क्योंकि जब आपकी डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगी और फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट यूनिट्स में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, और वो यूनिट्स डायरेक्टली लोगों के साथ डील कर सकेंगे और अपनी पावर को इस्तेमाल करके उनको सॉर्ट आउट कर सकेंगे, तो इस तरह से भी रिस्पांस रेट जो है वो क्विक हो जाएगा और कम टाइम में लोगों को उनके मसाइल का हल जो है वो मिलेगा. सो ये डिफरेंट इश्यूज़ हैं जिनको डील करने के लिए गवर्नेंस ने डिफरेंट सोल्यूशंस दिए हैं, which is directly relevant with the institutional structure or the hierarchies of the institution. And all these are contributing in the quick response of the institutions towards the general public. So all stakeholders should be served with reasonable time frame by the institutions. So jo institutions hain aur unke jitne bhi stakeholders hain ya society ke jitne bhi groups hain ya segments hain, unko ek hi tarah ke time frame mein response karna bhi bahut zyada zaruri hai. Aur ye nahi hai ki aapki elite agar institutions ke paas aati hai to usko quick time mein unke jo problems hain unko hal kiya jaye, aur agar general public aaye to uska time jo hai wo bahut zyada liya jaye unke masale के हल के लिए. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो रिस्पॉन्स रेट है इंस्टीट्यूशंस का वो भी इक्वल हो इन रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स एनी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. ऑल नीड्स ऑफ पीपल शुड बी फुलफिल्ड टाइमली. अगर लोगों के मसले वक्त पे हल नहीं होंगे, तो उनकी जो ग्रीवियंसेज हैं वो वक्त के साथ साथ बढ़ते जाएंगे, और उसको डील करना फिर इंस्टीट्यूशंस के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा. और अगर आप इन ग्रीवियंसेज को या उन प्रॉब्लम्स को टाइमली एड्रेस नहीं करते, तो वो लेटर ऑन
major conflict ki reasons bhi bante hain. Sometimes it moves towards the violence in the society ya wo anarchy ki taraf bhi jate hain. So is cheez ko minimize karne ke liye ya is cheez ko tackle karne ke liye ye zaruri hai ki logon ke masail ka hal timely nikala jaye aur unko response jo hai wo timely diya jaye. Responsiveness of state institutions enhances the trust level of general public. It increases the credibility of government and its institutions among citizens, and it leads towards social and political stability. Agar logon ke masail ka hal aap waqt ke upar denge aur unko timely respond karenge in a quick manner aur unke grievances jo hain wo timely hal honge, to iski wajah se jo hai wo society mein stability aur jo predictability hai wo ensure hogi aur wo conflict ko aur violence ko bhi mitigate kar sakti hai. Dusri important cheez jo isi context mein hai wo ye hai credibility ki ya trust level ki. अगर इंस्टीट्यूशंस लोगों को टाइमली सर्व करेंगे, उनकी सर्विस डिलीवरी अच्छी होगी, तो उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी और लोगों का ट्रस्ट लेवल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बढ़ेगा, जिसकी वजह से भी सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी और एक बेटर एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट होगा, जो कि डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, जो सोशल स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकेंगे और लोग अगर वो किसी वजह से रिस्पॉन्ड नहीं भी करते तो लोगों का एक ट्रस्ट उनके ऊपर होगा कि डेफिनेटली कोई वैलिड रीजंस हैं जिसकी वजह से उनका रिस्पॉन्स रेट इतना क्विक नहीं था. सो अगर आप ट्रस्ट लेवल बेहतर बनाना चाहते हैं और ट्रस्ट डेफिसिट को कम करना चाहते हैं बिटवीन गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी, सो उसके लिए ज़रूरी है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस इफेक्टिवली सर्विस डिलीवरी दें, क्विक टाइम में दें और उनकी रिस्पॉन्सिवनेस बहुत बेहतर हो ताकि लोगों के मसाइल को टाइमली डील किया जा सके.